गुड इवनिंग एवरीवन. सम न्यू गाइडलाइंस हैव बीन इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर द कोचिंग सेंटर्स. कोचिंग सेंटर्स के लिए बड़ा फैसला लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ नए गाइडलाइंस जारी किए हैं. आई हैव अ चार्ट इन दैट ऑल द गाइडलाइंस आर रिटेन. मेरे पास जो चार्ट मौजूद है इसमें सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं. मैं वन बाई वन पढ़ता हूँ और इसको आप समझ लीजिए. द फर्स्ट न्यू गाइडलाइन इज नो कोचिंग सेंटर कैन इनरोल स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर्स. यानी कोई भी संस्था 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स को अपने यहाँ दाखिला नहीं ले सकता है. अगर कोई भी संस्था ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने कुछ चीज़ें देखी है पहले. जैसे यू मस्ट हैव सीन इन कोटा राजस्थान बिफोर टू थ्री मंथ एगो एंड टिल नाउ ऑल्सो. दो तीन महीने पहले और अब तक में अप्रॉक्स 25 to 30 स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड. लगभग 25 से 30 विद्यार्थी सुसाइड कर लिए हैं. कई सारे इसके रीजन रहे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत फैसला लिया है और गाइडलाइंस जारी किया है. सेकेंड क्या है, If any student wants to leave the coaching center midway and go home, then the institute will return the remaining fees to that students. यानी कोई भी विद्यार्थी जो पूरा फीस पे कर चुका है और पढ़ाई के दौरान वो बीच में ही घर जाना चाहता है तो कोचिंग संस्था जो भी है बचे हुए फीस को उस विद्यार्थी को वापस करेगी, उन्हें लौटाना होगा. ये नियम पहले नहीं था लेकिन अब सरकार ने इसमें सुधार की है. नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है फैकल्टी के लिए, टीचर्स के लिए. टीचर्स शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट. जो टीचर्स होंगे पढ़ाने वाले वो कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए. नेक्स्ट देखिए क्या है, द क्लास टाइमिंग ऑफ कोचिंग विल बी मैक्सिमम ऑफ 5 hours एंड दीज क्लासेस विल नॉट बी अर्ली मॉर्निंग नॉर लेट इवनिंग सो दैट देयर इज नो स्ट्रेस ऑन द स्टूडेंट्स एंड दे कैन गेट टाइम टू रेस्ट. यानी कोचिंग संस्थाओं पे ये नियम बनाए गए हैं कि जो उनके क्लासेस होंगी वो अधिकतम 5 घंटे की होंगी और वो क्लासेस अर्ली मॉर्निंग नहीं हो सकती है और लेट इवनिंग नहीं हो सकती है. ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स पे ज़्यादा बर्डन ना हो, उन्हें रेस्ट करने के लिए टाइम मिल सके, उन पर स्ट्रेस ज़्यादा ना हो. नेक्स्ट क्या है, संस्था अच्छी रैंक और नंबरों वाले विज्ञापन नहीं दे सकते हैं. जैसा कि आप देखते हैं संस्था कोई टॉप किया है, कोई नंबर ज़्यादा लाए, उसका विज्ञापन दे देते हैं. बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जो झूठ का भी विज्ञापन देते हैं जिसके वजह से स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं. तथा जो फीस छात्रों से ली जाएगी उसकी पक्की रसीद उन छात्रों को दी जाएगी. यानी जो भी फीस छात्रों से ली जाएगी उनका जो पक्का रसीद है वो स्टूडेंट्स को दिया जाएगा. इसके लिए पनिशमेंट क्या है समझ लीजिए, इफ एनी इंस्टीट्यूशन इज नॉट फॉलोइंग दिस ऑल गाइडलाइंस देन दे शैल हैव टू पे 25,000 rupees इफ दे आर डूइंग दिस मिस्टेक. अगर वो ये गलती करते हैं यानी 16 साल से कम उम्र के छात्रों को अपने यहाँ लेते हैं तो उनको फर्स्ट टाइम 25,000 rupees जुर्माना देना होगा. इफ दे आर रिपीटिंग दिस अगेन देन दे शैल हैव टू पे 1 lakh rupees. अगर ये गलती दोबारा करते हैं तो उन्हें 1 lakh rupees देना होगा. इफ़ दे आर रिपीटिंग दिस थर्ड टाइम देन देयर रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड. अगर वो तिबारा ये चीज़ गलती करते हैं, दोहराते हैं, तहराते हैं तो अब उनके रजिस्ट्रेशन क्या है, कैंसिल हो जाएगी. तो ये सारे नियम और कानून हैं और भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके बारे में जैसे जैसे क्लियर हो गया वो आपको बताया जाएगा. एंड आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन ये सब चीज़ें जो भी बताए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए है. ऐसे संस्थाएँ जो IIT की तैयारी कराते हैं, नीट की तैयारी करते हैं या फिर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं उनके लिए नियम्स लागू किए गए हैं. और क्या क्या नियम्स है और किन किन संस्थाओं के बारे में कही गई है आगे और भी क्लियर होगा, वो सारी चीज़ें आपको अपडेट की जाएगी. थैंक यू वेरी मच.